Hello. Basically, there are two types of contracts, absolute contract and contingent contract. The absolute contract are contracts which are not dependent on any condition, but contingent contracts are contracts which are dependent on some condition. मतलब contingent contract वो contract हैं जिसके performance या non performance किसी condition पे depend करती है और वो condition यदि पूरी होगी या नहीं पूरी होगी तब ये contract या तो perform किया जाएगा या नहीं किया जाएगा. For example, यदि आग लगी तो आपने यदि फायर इंश्योरेंस लिया है और आपके घर का फायर इंश्योरेंस लिया है और आपके घर को आग लगी तो इंश्योरेंस कंपनी वाले पैसे देंगे, अदरवाइज पैसे नहीं देंगे. सो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन द हैपनिंग ऑफ दैट कंडीशन, है ना. तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस और नॉन परफॉर्मेंस ऑफ विच डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग of some future uncertain collateral event. तो ये जो घटना घटित होगी या नहीं होगी ये फ्यूचर में है, तो अभी हमें पता नहीं कि ये घटना घटित होगी या नहीं होगी. तो इट इज फ्यूचर अनसर्टन. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर विच वी हैव टू कंसिडर इज इट इज कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट. तो कोलैटरल का मतलब क्या? तो जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और जो घटना घटित हो रही है या नहीं होने वाली है उसमें वो व्यक्ति उससे कुछ किसी तरीके से कनेक्टेड रहना चाहिए. इट शुड बी इंसिडेंटल टू द कॉन्ट्रैक्ट. अब मान लीजिए कि आपने किसी के साथ शर्त लगाई कि यदि आज बारिश हुई तो मैं तुझे रुपए दूंगा और बारिश नहीं हुई तो तुम मुझे रुपए दोगे. ये भी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंडेंट है, अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पे कोलैटरल नहीं है. मतलब दैट इंसिडेंट, दैट इवेंट इज नॉट समवेयर इंसिडेंटल टू दैट पर्सन, मीन्स ही इज नॉट हैविंग सम इंटरेस्ट इन इट अपार्ट फ्रॉम विनिंग दैट बेट. तो ऐसे अग्रीमेंट्स जो होते हैं उनको हम वेजरिंग अग्रीमेंट्स कहते हैं, लेकिन कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आर फुल्ली एनफोर्सिएबल. वेजरिंग अग्रीमेंट्स आर वॉइड अग्रीमेंट्स. तो कोलैटरल इवेंट मतलब उस इवेंट के साथ जुड़ा हुआ जो अग्रीमेंट, आपका परफॉर्मेंस जिस चीज पे, जिस शर्त पे डिपेंडेंट है, वो यदि इवेंट होता है या नहीं होता तो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाएगा या नहीं किया जाएगा. तो देयर आर बेसिकली सम रूल्स रिलेटेड टू कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. The first rule is that if the contingent contract, the performance of the contract depends upon the happening of some future uncertain collateral event, the contract will not be performed till the event happens. मतलब किसी घटना के घटित होने पे यदि ये contract का performance dependent है तो जब तक वो घटना घटित नहीं होगी ये contract perform नहीं किया जा सकता. आपने फायर इंश्योरेंस लिया है आपके शॉप का, तो यदि आपके शॉप में आग लगी तो ही आप फायर इंश्योरेंस वालों से रुपए क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्लेम नहीं कर सकते. आपने व्हीकल का इंश्योरेंस लिया है तो यदि एक्सीडेंट हुआ या कुछ नुकसान हुआ या व्हीकल की चोरी हुई तभी इंश्योरेंस कंपनी से पैसे क्लेम किए जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं किए जा सकते. मीन्स द परफॉर्मेंस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर अनसर्टेन कोलैटरल इवेंट. द सेकेंड रूल इज इफ द कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द परफॉर्मेंस और नॉन परफॉर्मेंस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन द नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर अनसर्टेन कोलैटरल इवेंट, द कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी परफॉर्म्ड अंटिल एंड अनलेस दैट इवेंट डज नॉट हैपन और the happening of that event becomes impossible. मतलब वो इवेंट अब होना ही शक्य नहीं है तो फिर it will be performed. Suppose आपने marine insurance लिया है तो यदि ship लौटती है तो आपको marine insurance वाले रुपए नहीं देंगे, लेकिन यदि ship नहीं लौटी तो आपको marine insurance वाले रुपए देंगे. और मान लीजिए कि ship को आग लग गई तो अब तो शिप का लौटना इम्पॉसिबल हो गया, So in that situation also the contract will be performed. You can claim the money from the insurance company. क्योंकि शिप को आग लग गई है तो you know now it is impossible for about the returning of the ship. Ship का आना, coming of the ship has become impossible. So in this situation you can claim from the marine insurance company. Then if the contract is dependent on how a person behaves at a particular time, and if the person does not behave according to that, then the contract becomes void. Suppose a father or a person promises someone, means A promises B that if you marry my daughter C, I will give you 1 crore rupees. A promises B that if you marry my daughter C, then I will give you 1 crore rupees. Now, if suppose B marries someone else or C marries someone else, so the marriage between B and C has become impossible. So obviously the contract will become void. मतलब किसी व्यक्ति के बिहेवियर पे या किसी व्यक्ति के किसी तरीके का कोई परफॉर्मेंस पे वो कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है और वो व्यक्ति उससे विपरीत कोई काम कर लेता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता. इट विल बिकम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. नो इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन the happening of some future uncertain collateral event within a specified time, and if that event does not happen within that time, the contract will become void. Vehicle insurance कितने समय के लिए रहता है? 1 साल का रहता है. 1 साल पूरा हुआ फिर से उसको हमें रिन्यू करना पड़ता है अपने. तो उस सिचुएशन में क्या हुआ कि वो vehicle का कोई नुकसान यदि 1 साल के अंदर नहीं हुआ, कोई चोरी नहीं हुई, एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो इस सिचुएशन में आप इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांग सकते हैं क्या कि नहीं मैंने पे किया था अब आप मुझे दीजिए. यू कैन क्लेम. वो 1 साल के अंदर ही होना चाहिए. मान लीजिए आपने इंश्योरेंस रिन्यू नहीं किया और अगले साल आपके व्हीकल को कुछ नुकसान हुआ, तो क्या आप इंश्योरेंस कंपनी से पैसे क्लेम कर सकते हैं कि मैंने पिछले साल लिया था इंश्योरेंस, आप मुझे अब पे करिए? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल. क्योंकि वो 1 ही साल का इंश्योरेंस लिया हुआ था, तो वो जो भी घटना घटित यदि उसी साल के अंदर होती तो आप इंश्योरेंस कंपनी से पैसे क्लेम कर सकते थे, लेकिन वो घटना उस साल में घटित नहीं हुई तो आप इंश्योरेंस कंपनी से पैसे क्लेम नहीं कर सकते. इन द सेम वे इफ द कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन द नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर अनसर्टेन कोलैटरल इवेंट within a specified time, and if that event does not happen within that specified time, then the contract will become void. तो अब मान लीजिए कि यदि शिप 1 साल में नहीं लौटी तो आप इंश्योरेंस कंपनी से पैसे क्लेम कर सकते हैं. तो शिप यदि 1 साल के अंदर लौटी तो ऑब्वियसली आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो वॉइड हो गया. और 1 साल के अंदर, जैसे हमने इससे पहले भी डिस्कस किया कि 1 साल के अंदर वो नहीं लौटी या फिर सिंक हो गई या फिर उसको आग लग गई, तो हमें 1 साल तक वेट करने की जरूरत नहीं है. पता चल गया है कि उस शिप का लौटना इज इम्पॉसिबल, तो फिर तुरंत हम परफॉर्मेंस क्लेम करेंगे. और यदि 1 साल के अंदर आ गई तो आपने जो कॉन्ट्रैक्ट मैराइन इंश्योरेंस वालों के साथ किया था वो अब वॉइड हो जाएगा. इसी तरीके से यदि आपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है एंड दैट इवेंट हैज बिकम इम्पॉसिबल, तो द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड. मतलब इफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन सम इवेंट, सम कंडीशन, और वो कंडीशन या वो इवेंट अब इम्पॉसिबल हो गया उस इवेंट का होना, तो ऑब्वियसली जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा. मान लीजिए कि ये जो आप कोलैटरल इवेंट की बात कर रहे हैं वो शुरू से ही इम्पॉसिबल है, तो फिर वैसे अग्रीमेंट्स वॉइड अग्रीमेंट्स होते हैं. एक सिंपल सी कोलैटरल इवेंट को समझाने के लिए छोटा सा उदाहरण मैं देती हूँ कि मान लीजिए मेरे व्हीकल को कुछ नुकसान हुआ लेकिन मैंने अपने व्हीकल का इंश्योरेंस नहीं लिया था, लेकिन मेरे नेबर ने व्हीकल का इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो क्या मैं इंश्योरेंस कंपनी को बोल सकती हूँ अरे उनका व्हीकल का इंश्योरेंस है आप मुझे पैसे दे दीजिए? नहीं, इट्स नॉट कोलैटरल. क्योंकि मेरा इंटरेस्ट मेरे व्हीकल में है, यदि मैंने मेरे व्हीकल का इंश्योरेंस लिया है तो ही मैं रुपए कुछ नुकसान होने पे क्लेम कर सकती हूँ। सो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर अनसर्टेन कोलैटरल इवेंट। I hope the concept is clear, and whenever you want me to prepare a video on any other topic, kindly drop a message in the comment section. Happy learning. Stay tuned.